तो बात करें हजारीबाग की, जहां विश्वकर्मा पूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान तनाव हो गया, असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की, घायल चार भक्तों की स्थिति गंभीर है, पुलिस ने मोर्चा संभाला है, फिलहाल माहौल शांत है। सांसद मनीष जायसवाल ने जायजा लिया है, बरका गांव की यह घटना बताई जा रही है। सांसद मनीष जायसवाल ने बरका गांव की घटना है। आपको बताएं कि विश्वकर्मा पूजा में विसर्जन के दौरान तनाव हो गया, और इस पर अधिक जानकारी के लिए केरेडारी से आदेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आदेश, विश्वकर्मा पूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो मारपीट हुई है, क्या मामला निकलकर सामने आ रहा है, किन लोगों ने ये सब किया है, क्या कुछ अब तक बातें आ रही है सामने? जी अनुष्का, बीती रात विश्वकर्मा भगवान की प्रतिमा विसर्जन के लिए भक्तों ने जा रहे थे, उनके ऊपर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पत्थरबाजी किया गया है, जिसमें चार लोग जो है सो चार भक्त घायल हैं। सुबह होते ही घटना स्थल पर हजारीबाग एसपी पहुंचे हुए हैं, मोर्चा संभालकर माहौल को शांतिपूर्ण व्यवस्था कर दिए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से माननीय सांसद मनीष जायसवाल का भी जो है सो सूचना मिला, वो भी घटनास्थल पर आए हुए हैं। लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन का पहरा है, जिसके वजह से किसी तरह से कोई माहौल में गड़बड़ी नहीं है, शांतिपूर्ण व्यवस्था है। जी मनीष जायसवाल का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मनीष जायसवाल का कहना है कि ये जो घटना बार बार हो रही है बड़का गांव में, ये बहुत निंदनीय है। इस लेकर के वो धरना पर भी बैठने को जो है सो ये हो रहे हैं। कुछ ही देर बाद जो है सो फिर से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात कही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदेश तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, बड़का गांव में ये मामला आया है सामने, जहां विश्वकर्मा पूजा में प्रतिमा विसर्जन के दौरान मारपीट हो गई है, असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।